गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह ने सोमवार को प्रोफेसर हरिशरण सिंह को गोरखपुर विश्वविद्यालय के नए प्रतिकुलपति का कार्यभार ग्रहण कराया और गौरतलब है कि आचार्य प्रोफेसर हरिशरण रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक अध्ययन विभाग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। साइंस फैकल्टी के डीन प्रोफेसर हरिशरण सामुद्रिक रक्षा क्षेत्र में विशिष्ट अध्येता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रोफेसर हरिशरण की पुस्तक हिंद महासागर चुनौतियां एवं विकल्प को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ लेखन पुरस्कार मिल चुका है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक अध्ययन विभाग में 1983 से शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। प्रोफेसर हरिशरण के पास भौतिक विभाग के अध्ययन का भी वर्तमान में दायित्व है। सोमवार को प्रोफेसर हरिशरण को गोरखपुर के प्रति कुलपति का दायित्व मिला है। प्रोफेसर हरिशरण की यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 14 के अंतर्गत दी गई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति के ज्वाइनिंग के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर हरिशरण ने कहा, एक्चुअली जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश सरकार यूजीसी तथा विश्वविद्यालय के सभी प्रशासन से जुड़े और शिक्षण से जुड़े लोगों का एक दायित्व है कि पूरे वर्ष विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से चले। मुझको अभी 8 जुलाई को प्रतिकुलपति का चार्ज दिया गया है। यहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह जी जो हैं वो बहुत ही योग्य और बहुत कर्मठ वाइस चांसलर हैं। उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने पिछले 2 में बहुत प्रगति उन्नत किया है, काफ़ी परिवर्तन हुआ है कैंपस में और कैंपस के पठन पाठन में। तो ऐसे में मैं उनके साथ हूँ। उन्होंने मुझको प्रतिकुलपति इसीलिए नियुक्त किया है कि जो भी योजनाएं हैं, जो भी सहयोग है, मैं अपना पूरा समय समय से उनको दूँ। विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार है, उसी के हिसाब से प्रवेश कार्य प्रारंभ हो गया है। बीएससी द्वितीय और तृतीय वर्ष की कुछ कक्षाएं भी प्रारंभ हो गई हैं, चूँकि अभी बहुत से शिक्षक हमारे प्रवेश कार्य में भी लगे हैं। तो बहुत जल्दी, जब पहले अगस्त में शिक्षण का प्रारंभ होता है था, वो जुलाई के में शुरू हो जाएगा विश्वविद्यालय का सुचारू रूप से। यही है कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा निर्धारित जो भी लक्ष्य और उद्देश्य रखे हुए तय किए गए हैं, उसमें एज प्रतिकुलपति हम अपना पूरा सहयोग और जितना क्षमता है हमारी उससे सहयोग करें। नया छात्र राजनीति वो देखिए, उसके लिए पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन है। प्रशासन संयुक्त रूप से या अलग जो भी निर्णय करता है उसमें उस हिसाब से कार्य किया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के समस्याओं का निराकरण जितना संभव हो सके एक निश्चित समय सीमा में हो सके। आपको